राजस्थान सरकार ने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। राजस्थान सरकार कहती है इससे कोरोना फैलेगा, इससे पॉल्यूशन फैलता है। अरे भाई, पॉल्यूशन तो बकरा ईद के दिन ज़्यादा फैलता है। सारी नदियां प्रदूषित हो जाती है, गंदगी फैल जाती है, दुर्गंध फैल जाती है, लाखों लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन उस समय इस सरकार का ध्यान उधर नहीं जाता है। जो ही दीपावली आती है, जो रक्षाबंधन आता है, जन्माष्टमी आती है, उनको ये ध्यान में आता है कि किस प्रकार हिंदुओं को परेशान किया जाए। जिस जिस सरकार ने हिंदुओं को परेशान करने का प्रयास किया है, वह सरकार कभी रही नहीं है। हमारा निवेदन है राजस्थान सरकार से, वो तुरंत फटाखों पर प्रतिबंध हटाए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनो गोस्वामी पत्रकार को बिना कानून के दायरे में और कानून की दादागिरी दिखाते हुए महाराष्ट्र सरकार के दबाव में इन लीगल तरीके से जो गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध के अंदर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग करता है ज्ञापन के द्वारा कि आपकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस स्वतंत्रता अभिव्यक्ति आज़ादी को जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार राष्ट्रभक्त पत्रकार अर्णव गोस्वामी की तुरंत रिहाई की जाए। और यदि लोकतंत्र का गला दबाने की प्रयास किया, पत्रकारों का स्वतंत्र हनन का प्रयास किया, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा हिंदू समाज भारत की जनता सड़कों पर उतरेगी और इस तरह की गुंडागर्दी जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है वो सहन नहीं करेगी।